हेलो भाई, मैं हूँ आपका दोस्त प्रवीण यादव। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। भाई ये देख लो, आज अपने पास महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 जो कि टॉप मॉडल है। तो आज इसका भाई हम माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। ये देखते हो आप, आज इसका माइलेज टेस्ट कर लेते हैं भाई, एक लीटर में ये कितनी चलती है। तो वो चीज़ आज हमें टेस्ट करने वाले हैं भाई, सबकी फेवरेट पसंद होती है। तो ये देख लो भाई, फ्यूल इंडिकेशन लाइट आई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो भाई, दिख रही है आपको। तो चलो भाई, जो भाई न्यू आए हमारे चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा यूनिक कंटेंट लाता रहता हूँ। तो भाई चलो, मैं आपको बताता हूँ कैसे आज हम माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले पेट्रोल पंप पे, फिर बात करते हैं। हाँ तो भाई ये देख लो, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप आ चुका है। तो आज हम इसमें जाके और डीजल डलवा लेते हैं और फिर देखेंगे कि कितना ये माइलेज निकालती है, वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। ये देख सकते हो आप। हाँ तो भाई देख लो, पेट्रोल पंप पे पहुँच चुके हैं और इसमें डलवा लेते हैं डीजल। डीजल सिर्फ इतना डलवाना है ताकि जो फ्यूल इंडिकेशन लाइट आई हुई है आपने देखी, वो चली जाए। उसके बाद हम इसमें 2 लीटर डीजल डालने वाले हैं, वो भी बोतल से। तो उसके बाद हम माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो भाई डीजल डलवा लेते हैं और एक बोतल भी भरवा लेते हैं 2 लीटर की, ताकि जब जैसी फ्यूल इंडिकेशन लाइट आए तो दोबारा हम डीजल डाल सकें। तो देख लो भाई, 610 का करवाया है। ये देख लो भाई, हो चुका है 610 का। हाँ तो भाई अब मैं आपको बता देता हूँ, फ्यूल इंडिकेशन लाइट जो है वो गायब हो चुकी है। ये देख सकते हो आप, नहीं आ रही है। तो अब क्या करना है हमें, जो भाई पहले मैं डाल सकता था 2 लीटर, लेकिन नहीं डाला, क्योंकि भाई एक्यूरेट माइलेज टेस्ट करना है हमें। क्योंकि मैंने इसलिए नहीं डाला, अगर मैं डाल देता तो उसमें मिस्टेक हो सकती थी, क्या पता कितना फ्यूल पहले कम था या ज़्यादा था। तो उस वजह से भाई एक बार दोबारा जब आएगी फ्यूल इंडिकेशन लाइट तो उसके बाद हम डालेंगे, और जब गायब हो जाएगी तो वो माइलेज टेस्ट वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई चलते हैं थोड़ा सा, ताकि दोबारा फ्यूल इंडिकेशन लाइट आ जाए। ये देख लो हम चल रहे हैं, तो दोबारा फ्यूल इंडिकेशन लाइट आने पे हम 2 लीटर इसमें डीजल डाल देंगे, ताकि वो जो लाइट आई है वो दोबारा गायब हो जाए और वहाँ से हमारा माइलेज टेस्ट स्टार्ट हो जाए। चलो भाई, मैं आपको वहीं मिलता हूँ जहाँ फ्यूल इंडिकेशन लाइट आएगी। हाँ तो भाई ये देख लो, फाइनली फ्यूल इंडिकेशन लाइट आ चुकी है। भाई बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा, उसके बाद लाइट आई है, ये देख सकते हो आप। तो भाई अब क्या करते हैं, अपनी ट्रिप को कर लेते हैं 0 और डाल देते हैं इसमें 2 लीटर डीजल, और फिर करते हैं इसका माइलेज टेस्ट। चलो चलते हैं बाहर और डाल देते हैं डीजल। भाई 2 लीटर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि भाई फ्यूल इंडिकेशन लाइट 1 लीटर में नहीं जाएगी। तो डाल देते हैं भाई, ये देख सकते हो आप, ये डीजल भाई डाल देते हैं। भाई ये 2 लीटर की बोतल वही है जो हमने पेट्रोल पंप पे भरवाई थी, जिसमें पूरा 2 लीटर है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो एक बार, ये देख सकते हो भाई। तो इसमें पूरा 2 लीटर है, तो डाल देते हैं इसको आराम से। उसके बाद जब फ्यूल इंडिकेशन लाइट चली जाएगी तो हमारी ट्रिप 0 से स्टार्ट हो जाएगी। ये देख लो भाई, 2 लीटर पूरा डाल देते हैं भाई, टाइम तो लगता है, ये धीरे धीरे डल रहा है, ये देख सकते हो भाई। भाई रियली में यार, फ्यूल इंडिकेशन लाइट आने में बहुत टाइम लग गया। डीजल डल चुका है और बंद कर देते हैं और चलते हैं कार के अंदर, और फिर देखते हैं अब कितना ये किलोमीटर ट्रैवल करती है, दोबारा कितने किलोमीटर पे फ्यूल इंडिकेशन लाइट आती है। भाई मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फ्यूल इंडिकेशन जो लाइट आई हुई थी वो जा चुकी है। ये देख सकते हो आप, क्लियरली देख लो भाई, लाइट जा चुकी है। एक बार ये कार निकल जाए तो उसके बाद हम भी चल देते हैं, ये देख लो। तो चलते हैं भाई, करते हैं ट्रिप को 0 और चलते हैं अपने, स्टार्ट करते हैं ट्रिप। हाँ तो भाई गर्मी का मौसम है और एसी रखेंगे हम लो पे, ये देख सकते हो आप, लो पे रखेंगे एसी। तो चलते हैं, करते हैं ट्रिप को स्टार्ट। गर्मी का मौसम यार, एसी बिना तो थोड़ी चला जाएगा, एसी में माइलेज देखी जाती है। ये थोड़ा सा भाई नॉर्मल रोड है, गांव का रोड है, तो इस पर थोड़ा सा रोड है, ये हद मार के 2 किलोमीटर है, उसके बाद जो है हाईवे स्टार्ट हो जाएगा। भाई ट्रैवल डिस्टेंस दिखा देता हूँ, ये देख लो, थोड़ा दिख नहीं रहा है, ये देख सकते हो भाई 2.7 किलोमीटर हम चल चुके हैं। भाई मैं आपको पूरी रोड ट्रिप तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि यार उसमें तो 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, उससे फ़ायदा क्या है। मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहूँगा। ये देख लो 199 किलोमीटर ये डिस्टेंस दिखा रहा है, और एक बार MID में और दिखा देते हैं, ये देख सकते हो आप, दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा तो एक बार दिखा देते हैं ढंग से। ये देख लो भाई, हम चल चुके हैं 4.6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, और ये नारनौल से रेवाड़ी वाला हाईवे है। इसकी कंडीशन देख सकते हो आप, A1 रोड है बिल्कुल। तो इस पर कितना माइलेज देगी वो चीज़ मेन रखती है, क्योंकि मैंने आपको पहले दिखा दिया वो 2.7 किलोमीटर हम चले थे कच्चे रोड पे, यानी कि गांव के टाइप रोड पे। तो उसके बाद हम चल रहे हैं अब हाईवे पे,
तो हाईवे माइलेज मान सकते हो आप इसको, क्योंकि मैं आपको भाई इसी रोड पे माइलेज निकाल के दिखाने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ से जाएंगे सीधा और रेवाड़ी के नीचे से लेके दोबारा वापस फिर एक कट है वहाँ पे घुमाएंगे और इसी रोड पे माइलेज निकालेंगे। चलो भाई देखते हैं आगे। हाँ तो भाई ये देख लो, एक बार फिर दिखा देता हूँ, 195 किलोमीटर दिखा रहा है और एसी अपना भाई मैंने बता दिया आपको लो पे चल रहा है, तो लो भी भाई ठीक है। देखते हैं भाई स्पीड जो है वो देखते हैं भाई 80 के समथिंग है और चल रही है अपनी कार। ये देख लो भाई हाईवे बिल्कुल A1 रोड है भाई, ये चीज़ मेरे को माननी पड़ेगी। ये देख लो भाई 189 किलोमीटर दिखा रहा है। हाँ तो भाई मैं आपको एक बार स्पीड और दिखा देता हूँ, ये देख लो, नहीं दिख रही क्या? हाँ अब दिख जाएगी। ये देख लो भाई 80 की स्पीड पर हम चल रहे हैं फिलहाल। मेरे को ये महिंद्रा की एक चीज़ अच्छी लगती है, ये देख लो, इसमें आपको दिखाता रहता है कितना किलोमीटर और आपकी रेंज बची हुई है। ये देख लो 185 दिखा रहा है और एसी अपना वही लो पे है, ये देख सकते हो आप। हाँ तो भाई मैं आपको डिस्टेंस और दिखा देता हूँ हम कितना किलोमीटर चल चुके हैं। ये देख लो भाई 10.8 किलोमीटर हम चल चुके हैं, तो ये देख सकते हो भाई हाईवे बिल्कुल यार A1 रोड है, ये तो बात माननी पड़ेगी भाई। हाईवे पर अगर माइलेज देखें ना तो ज़्यादा आएगी मेरे हिसाब से, तो देखते हैं भाई लास्ट में आपको पता चल ही जाएगा कितनी माइलेज आने वाली है। तो भाई हम एक बार रेवाड़ी से वापस यू टर्न लेके वापस जा रहे हैं इसी हाईवे पे और अब रेंज दिखा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो भाई 175 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है भाई, मैं आपको 4-5 किलोमीटर चलने के बाद मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये देख सकते हो भाई आप स्पीड वही अपनी 80 के समथिंग है और डिस्टेंस जो दिखा रहा है वो 169 किलोमीटर और रेंज दिखा रहा है इसकी। तो भाई मेन चीज़ ये देखनी है हमें, फ्यूल इंडिकेशन लाइट कब आएगी इसमें, तो वो चीज़ हमें देखनी है। तो भाई फिर हम थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको दिखा देते हैं कितनी रेंज दिखा रहा है। ये देख लो 163 किलोमीटर की रेंज और दिखा रहा है अभी, तो एसी अपना भाई वही लो पे है, मैंने आपको पहले ही बता रखा हम लो पे रखेंगे एसी को। और आपको दिखा देता हूँ एक बार MID में कितना किलोमीटर हम चल चुके हैं। ये देख लो भाई 21.6 किलोमीटर हम ट्रैवल कर चुके हैं भाई, मैं आपको लास्ट में माइलेज निकाल के दिखा दूंगा कितनी माइलेज निकली है। ये देख सकते हो आप 21.7, तो धीरे धीरे डिस्टेंस जो है चलता जा रहा है और अभी तक फ्यूल इंडिकेशन लाइट इसमें आने का नाम नहीं ले रही है। तो भाई यही चीज़ है कि हाईवे पे माइलेज इसकी तो A1 होने वाली है। ये देख लो भाई 22.8 किलोमीटर हम चल चुके हैं और A1 रोड है बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम रेवाड़ी से वापस घूम के और फिर वापस जा रहे हैं, क्योंकि भाई जो आज माइलेज है वो हाईवे माइलेज मान सकते हो आप। हाईवे पर कितना एक किलोमीटर में कितना चलेगी वो चीज़ आज हम टेस्ट कर रहे हैं। तो देख लो भाई एक बार फिर से 23.1 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अगर मैं एसी की बात करूं तो ये देख लो भाई 155 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है और एसी अपना वही लो पे चल रहा है भाई। मेरे को दिखाना बहुत ज़रूरी है वरना बीच में आप लोग कमेंट करोगे कि आपने एसी बंद कर दिया या फिर कुछ, तो वो चीज़ मैं आपको टाइम टाइम पर हर चीज़ दिखा रहा हूँ भाई। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्पीड 80 और 60 के बीच में रहेगी, यानी कि 60 से 80 के बीच में रहेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं 100 से 120 के स्पीड में माइलेज टेस्ट करूं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें यार। और यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से कर दो, क्योंकि यार कोई बड़ी बात थोड़ी है आपके लिए यार, एक सब्सक्राइब तो बनता है यार इतनी मेहनत के लिए। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये देख लो महिंद्रा स्कॉर्पियो में जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है उसमें भी आपको माइलेज दिखाता है। ये देख लो 13.3 की माइलेज इसमें दिखा रहा है और डिस्टेंस दिखा रहा है 147 किलोमीटर और अपनी स्पीड वही 60 से 80, ये देख लो 80 पे चल रही है। और भाई एसी जो है वो अपना वही लो पे है, ठीक है भाई। कार ख़रीदने से पहले मेन चीज़ तो यही देखी जाती है कि माइलेज कितना दे रही है। तो भाई आज फ़िलहाल डीजल और पेट्रोल के दाम यार बहुत हाई है, तो उसके हिसाब से मैं आपके लिए माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ भाई। तो मैं आपको इसमें क्लियर बताऊँगा कि कितनी माइलेज आपकी हाईवे पर निकाल सकती है, वो भी महिंद्रा स्कॉर्पियो। तो ये देख लो भाई स्पीड अपनी 60 से 80 के बीच वही है। तो चलो भाई अभी थोड़ा सा डिस्टेंस और कवर कर लेते हैं, एक बार और दिखा देता हूँ भाई मैं रेंज कितनी दिखा रहा है आपको। ये देख लो भाई 142 किलोमीटर, ठीक है, और स्पीड अपनी स्पीड वही है 80, 60 से 80 के बीच, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक बार डिस्टेंस और दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो भाई 29 किलोमीटर हम ट्रैवल कर चुके हैं, यानी कि यार
हाईवे पे माइलेज मान सकते हो भाई, बहुत हैवी माइलेज आने वाली है। सच में यार मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा है, अभी तक फ्यूल इंडिकेशन लाइट का कोई निशान नहीं आया है। आपके सामने है जो भी कुछ है। हाँ तो भाई एक बार ये देख लो, जो रेंज दिखा रहा है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। 134 रेंज दिखा रहा है और 14.2 किलोमीटर की माइलेज दिखा रहा है भाई। भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ जब फ्यूल इंडिकेशन लाइट आएगी। चलो भाई सीधा मिलते हैं आपको फ्यूल इंडिकेशन लाइट के साथ। तो भाई ज़्यादा टाइम ना लेते हुए 39 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उस पे जाके फ्यूल इंडिकेशन लाइट आ चुकी है। तो भाई हमने जो है 2 लीटर डीजल डाला था, उसके बाद हम 39 किलोमीटर डिस्टेंस जो है कवर कर चुके हैं, तो आप माइलेज लगा सकते हो। इसके हिसाब से तो इसमें 19.5 की माइलेज दे रही है, लेकिन भाई इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो, थोड़ा बहुत 18 या समथिंग दे देगी आपके हाईवे पे, जो कि भाई बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो भाई ये थी कुछ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।